आप देख रहे हैं अपना समाचार। मुहूर्त पे बहुत अच्छा लगा था और जितने भी हमारे गेस्ट हैं गार्जियन सबको प्रणाम। हमारे बाबूजी हमारे साथ हैं और जितने भी हमारे समस्त यहाँ पे भैया चाचा माई बहन लोग जो भी बैठल बाड़ी सबके प्रणाम बा हमारा तरफ से। और बताई जी, बात कही से कि 9 mm पिस्टल, तो इसका राज क्या है, आप कितनी राउंड पिस्टल चलाने वाले हैं? पिस्टल का हमने तो कलाकार हैं, 250 ग्राम के माइक आज तक उठैनी है, पिस्टल तो हमने देखा भी नहीं है, लेकिन इसमें पिस्टल चलाना पड़ेगा बाबू। एक सिंगर को जब पिस्टल चलाना पड़ता है तो क्या गुजरती है दिल में? नहीं नहीं कुछ नहीं गुजरता, वो हीरोइन का मामला होता है तो सब कुछ उठ जाता है। अच्छा गुंजन जी, किस तरह का किरदार होगा थोड़ा? मतलब कहानी जो इसमें है, अभी हम पूरा स्टोरी पढ़े नहीं, आज तो मुहूर्त है, अभी हम डबिंग से आ रहे थे खुददार फिल्म का, तो फिर आगे जो भी होगा तो बताया जाएगा। बहुत अच्छा कहानी, इसे मिराज जी हमको बता रहे थे कि इसमें जो किरदार है बहुत अच्छा डॉन टाइप का किरदार है, तो उसमें एक गाना भी बनाया जा रहा है कि तोहरा के गोरी हम रोक दे हब हो, कि तोहरा के गोरी हम रोक दे हब हो, आ 9 mm पिस्टल लेके तोरा ठोक दे हब हो। मुन्नी जी, बात की आपकी कौन कौन फिल्में अभी आने वाली हैं? अभी नसीब है, उड़ान है, और अभी जो पिक्चर दीपक शाह जी बाबू जी बनाए हैं, प्रोड्यूस किए, ऐसे तो सारे पिक्चर में इनका मतलब आशीर्वाद है, पैसा है, धन है, गार्जियन है हमारे, तो लगता नहीं कि आगे जो भी पिक्चर बनेगा उसमें हमारे, तो लगभग बाबू जी ने मुझे कहा है कि अभी से लगातार मतलब जब तक जिंदगी रहे फिल्म बनते रहेगा, जब तक सांस बा तब तक आस बा, तो सब आशीर्वाद है। अभी खुददार भी रेडी हो चुकी है बनके पिक्चर अपना डबिंग पे। हाँ, अभी तो हम पहला बार काम कर रहे रितु सिंह के साथ में, अच्छा ही रहेगा। कोई गाना कोई फिल्म देखी आपने रितु सिंह की? पहले वो गाना सुन ले रहनी उनकर की फेयर लवली वाला गाना रहे, और तो ज़्यादा कुछ नहीं हम देखे, अभी तो पिक्चर हम देखे नहीं है वैसा कुछ। इस फिल्म में भी ज़्यादातर गाने आप ही गाएंगे? हाँ। और कोई खास तैयारी इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए? खास तैयारी बस चला था भैया, रोज तैयारी है, हमने तो जिंदगी भर सीखे के बाद बस तो चला था, सीखा था नहीं, आगे काम करा था नहीं। फिल्म के डायरेक्टर मिराज खान जी बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं, और फिल्म भी बहुत अच्छी बन रही है, बस बाकी सब पब्लिक के ऊपर है। अभी मेरी फिल्म नसीब भी रिलीज होने वाली है बहुत जल्द, और खुददार उड़ान। अभी तो खुददार का गाना छूटा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा गाना उसमें बना है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं। हाँ, म्यूजिक एल्बम तो आते ही रहता है उसमें, तो कहने का मतलब ये है, एक गाना इसमें खुददार में गाए हैं जो अभी रिलीज होगा। बड़ी मूड भइल बा गरम ता खापा रख दा शरम, लइकिया कहली है कि तू प्यार करेला कितना आज कहिए दा कन्फर्म, कि चूल्हा पे खौलत या दहन लागेलू, अरे तसला में खौलत या दहन लागेलू, कि पंचायत भवन जाने मान लागेलू। लइकवा कहा था कि पंचायत भवन जैसा लगा था ऋतु, ऐसा उपमा दिया गया है, तो मुझे विश्वास है पब्लिक लोग को बहुत पसंद आएगा। आपको कोई हिट गाना जो भी आया है जिसको मार्केट में अच्छा चल रहा है? अच्छा अच्छा गाना तो भी देखा, होली भी अपन बहुत बढ़िया चलल, सब गाना मेरे पब्लिक मेरे भगवान हैं, ऐसे सुनते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे गायकी में लोगों ने स्वीकारा है, मुझे आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही हॉल तक जाके देख के आशीर्वाद दे। और एक गाना हम गाए थे नसीब में कि आप सबके दुलार प्यार पहनिया, आप सबके दुलार प्यार पहनी, कि हम तो जीरो से हो, हम तो जीरो से हीरो हो गई नी, कि आप ही सब सितारा बनैनी,
आप ही सब सितारा बनैनी कि हम ता जीरो से जा जा जीरो से हीरो हो गईनी। एक अलग चीज बोलना चाहता हूँ गुंजन जी, बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हिंदुस्तान में हर दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं, सिंगर गुंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी, इवन यू कैन कमेंट ऑन दैट। ये तो बहुत ही गलत बात है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जैसा सुनने में आया है कि कुछ कार्रवाई, कुछ नियम बना भी है, लेकिन ऐसा हुआ कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बलात्कार तो बलात्कार है, चाहे वो 12 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे जो भी उम्र के हो, इस पे रोक लगना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस पर पूरा काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा ही होगा इसका। आप देख रहे हैं अपना समाचार।